हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये है कुछ पौधों की छोटी छोटी कटिंग जिसे मैं नर्सरी से लेकर आई हूं। तो फ्रेंड्स इन सबको मैं लगाऊंगी। और ये देखिए बेबी सनरोज की कटिंग, जिनके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इन सबको मैं लगाऊंगी। और इनको लगाने के लिए यहाँ पे देखिए कोकोपीड, और मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला रखी हूँ। और ये देखिए कोकोपीड वर्मी कंपोस्ट पहले से मिला हुआ है और डिब्बे में भरा है, तो इसमें भी हम लगाएंगे। और ये देखिए प्लास्टिक का छोटा सा गमला है, तो इसमें मैं कुछ कटिंग को लगाऊंगी, जैसे बेबी सनरोज की कटिंग है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कोकोपीड और थोड़ी सी मिट्टी को जो है मिला देती हूँ, फिर उसके बाद गमले में भरूंगी। इस तरह से हम इसमें भर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इसमें भर दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी भर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गमले में भर दिया है, और अब मैं जो है थोड़ा सा इसको इस तरह से ठोक देती हूँ ताकि गमले में जो भी खाली जगह हो इससे कवर हो जाए। और अब मैं इसमें पानी दे देती हूँ, और पानी बहुत थोड़ा सा देंगे क्योंकि कोकोपीड में नमी पहले से पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स अब जो है हम इसमें दो तीन होल बनाएंगे, इस तरह से दो तीन होल बना लिए। और इसमें मैं बेबी सनरोज की कटिंग लगाऊंगी, और इसके नीचे दो तीन पत्तियां थी तो मैं हटा दी हूँ, और लगभग 1 इंच तक जो है इसमें हम लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे। और ये देखिए छोटी सी कटिंग इनकी है, तो इनकी पत्तियां मैं नहीं हटा पाई, तो इसको हटा देते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स इनकी कटिंग मैं लगा दी, और भी कटिंग है जिसे मैं इसमें लगाऊंगी। ये देखिए ये सेकुलेंट प्लांट है, और इसको मैं इस छोटे से डिब्बे में लगा देती हूँ। देखिए, और यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए पार्सुला का है, इसको भी लगा देते हैं। और ये देखिए टूट गया था, तो इसे भी लगा देते हैं, वैसे कम चांस है इसके लगने का। और ये देखिए टर्टल वाइन है, जो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसे भी मैं लगाऊंगी। इनके छोटे छोटे पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, देखिए, तो इसको मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कटिंग को लगा दी, और इसको जो है डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, हल्के छांव में रखेंगे, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं ना तो एक गल जाएगा, तो बहुत हिसाब से इसमें पानी देना है। तो फ्रेंड्स अब हम इंतज़ार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 महीने हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सभी कटिंग लग चुकी है। फिलहाल अभी तो पता नहीं कर सकते, जब तक कि हम इन्हें निकाल कर चेक नहीं कर लेते कि इसमें रूट्स बनी है कि नहीं। और ये देखिए छोटी सी कली दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए देखिए, और इसे भी देख लेते हैं इनकी क्या हाल है। देखिए तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी कटिंग लगाए थे इसके टर्टल वाइन की, और देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी घना हो चुका है। देखिए, और इनके नीचे भी बहुत ही काफ़ी रूट्स बनी हुई है, देखिए। और ये सेकुलेंट प्लांट जो हमने लगाए थे, ये भी देखिए बिल्कुल आराम से लग चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इन्हें निकाल कर देखेंगे कि इनमें रूट्स बनी है कि नहीं बनी है, और फिर उसके बाद में इसे लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे निकाल दिया है, और देखिए कितनी अच्छी सी इसमें रूट्स बनी है, बहुत ही पतली पतली है और कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स हमारी बेबी सनरोज की कटिंग लग चुकी है, और अब हम इसमें फिर से इसको लगा देंगे, फिर उसी जगह रख देंगे ताकि जो है बिल्कुल आराम से बढ़ सके और इनमें फूल आ सके। फिर उसके बाद में इसकी और भी कटिंग हम तैयार करेंगे इनसे। और ये देखिए इन्हें भी निकाल कर देख लेते हैं कि इनकी क्या हाल है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे भी निकाल दिया और ज़्यादा मिट्टी लग गई थी तो इसको मैं देखिए धुल दी हूँ ताकि इनकी रूट्स दिखाई दे। देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट्स बनी हुई हैं। देखिए देखिए, तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग लग चुकी है और अब मैं इन्हें फिर से दोबारा लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। और मुझे बहुत ही खुशी हुई, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ये तो देखिए बहुत ही आराम से लग गई। देखिए तो फ्रेंड्स, इनकी कटिंग मैं पहली बार लगाई और बिल्कुल आराम से लग गई। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और जो भी गलती हो कमेंट में बताइएगा।